तो क्या हाल है आपके? आई होप आप लोग अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड जा रहा हूँ मैं थोड़ा नीचे यार। जैसा आपको पता है, जश्मिता का बर्थडे, और हमने सोचा है कि हम कुछ प्लेट्स लोगों में बांटेंगे खाने की, पूरी सब्जी। प्लान करते हैं छोटा सा मिनी भंडारा, तो हम वहाँ पे लेंगे 20-25 प्लेट्स, वहाँ पे पूरी चने की सब्जी और हलवा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मंदिर में जाके, बिकॉज इट्स अ ऑस्पिशियस डे ऑल्सो, एंड अच्छा लगता है यार करके। तो अभी बस मैं नीचे ही जा रहा था, तो अभी लाते हैं सामान। तो भाइयों, देख सकते हो आप भंडारे की तैयारी, आटा गूंथ रहा हूँ मैं, बाकी चना उधर बन चुका है, ये सब अश्विता ने बना दिया था। और अभी क्या हलवा बनेगा? हलवा बनना है, हलवा बनेगा। अभी ये चने नहीं, ये चने को भी वो करना है, थोड़ा सा वो करना है, फ्राई करना है, मसाला वगैरह डाल के। हम प्याज लहसुन तो कुछ इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो भंडारे वाला चना है, थोड़ा पुण्य कमाने की कोशिश की जाएगी भाइयों। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा व्लॉग में आगे। बहुत टाइट हो गया यार, पूरी का आटा टाइट ही रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से फूल सके। हमारे घर में तो पूरी बनी नहीं है तो। तो भाइयों, चने की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो। आटा गूंदा जा चुका है, इसकी बनेगी रोटियां। तो भाइयों, आप लोग देख सकते हो पूरी बन रही है, हलवा तो तैयार हो रहा है। और बहुत काम कराया है सुबह से मैंने आज। सब्जी भी बना दी है मैंने गाइस, सब कुछ मैंने ही बनाया है। ये 25 प्लेट्स, और अभी भगवान जी के लिए खाना निकाला जा रहा है। और खाने में क्या है आज? आज है हमारे पास चने, पूड़ियाँ, हलवा। चलो भगवान चढ़ाओ। पानी ले आते पहले, थोड़ा पानी ये ले लो ना लुट्टी में। तो भगवान जी को प्रसाद पहले चढ़ेगा। भगवान नाम ले लो, पानी चढ़ा दो। तो गाइस ऐसा कुछ दिख रहा है, और ये रहा किचन। आज भगवान जी को सुबह आप देख सकते हो मैंने डार्क फैंटेसी भी चढ़ाई थी। तो यार मुझे तो प्रसाद में जो मिलता है मैं वो चढ़ा देता हूँ यार। ये पानी को क्या करूं? वहीं रख दो, अभी जल दे देंगे। तो भाइयों, भंडारे की तैयारी हो चुकी है, हम लोग प्लेट्स बना रहे हैं। आप देख सकते हो 25 प्लेटें रखी हैं, अब ऐसे हम लोग प्लेट्स बनाएंगे और आज कुछ अच्छे कर्म करेंगे, भगवान को याद करेंगे, और आप सबको खिचड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हमने पैकिंग कर ली है सभी खानों की, अब बस रेडी होंगे और निकलेंगे हम लोग।
अब ये दान देने और कुछ ऐसा सा लग रहा है हमारा। अब हम लोग निकलेंगे और लोगों को बांटेंगे गाड़ी में। नहीं करेंगे, एक उधर गाड़ भैया वहां भी होंगे। तुम भिड़वा दोगे अंकल जी, हैप्पी मकर संक्रांति। मंदिर उधर था ना, हमें उधर चलना चाहिए। नहीं, हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, मंदिरों से कहीं ज्यादा लोग और जरूरतमंद और जगहों पर है, क्योंकि मंदिर हर कोई जाता है और उन्हें देखने वाला और उनके सुनने वाले बहुत लोग हैं, बट कई सारे लोग हैं जो मंदिरों के बाहर नहीं मिलेंगे, फुटपाथ के पास मिलेंगे और बहुत सारी जगहों पर। कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हुए भी मिलेंगे। जरा सा स्लो चला लो तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। अभी पीछे से दे दूंगा एक झटका तो अभी सारी सेफ्टी समझ में आ जाएगी इनको। अच्छे काम से निकलवाना देव। तो यही सब तो बाधा है। हैप्पी मकर संक्रांति। इनको भी दो। हैप्पी मकर संक्रांति। तो सिगरेट कम पीजिए। सिगरेट कम। मकर संक्रांति क्या करूंगी? वही बैलून दो ना उसे। वेलकम। तो ये सेक्टर 22 की मार्केट आ गए थे चाय पीने। तो चाय पी रहे थे तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची बैठती है यार शॉप वाले की, बहुत क्यूट है, अभी मिलाता हूँ आप लोगों को। तो सोचा उसके लिए कुछ ले लेते हैं। अब आज दान पुण्य करने का मूड हो रहा है और मन में आ रहा है तो उठा लेते हैं। कम तो कर सकते हो थोड़ा। हमने फिर ये ले लिया यार। तो भाई ये वो बच्ची मस्त है, चिल्ड। तो भाइयों जस्ट अभी हम लोग आए हुए हैं, मतलब सब हमने डोनेशन हो गई जिसको जहाँ जहाँ देना था। अब रात का सीन देखते हैं यार, अभी हो सकता हो चंपा गली जाए हम लोग। बाकी हनुमान जी की कृपा देख ही रहो कितनी बरस रही है प्रभु कैमरे में भी। तब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ही लगा। और कैसे अभी दान देके बुरा गंगा, और इसलिए भाइयों थोड़ा इसलिए पूरा नहीं कैप्चर किया क्योंकि यार दान पुण्य जितना क्लोज्ड हो जितना कम दिखावा हो उतना ही अच्छा है। नहीं, हमने थोड़ा बहुत भी वो जो डाला है वो इसलिए क्योंकि ये एक मैसेज है छोटा सा कि कोई भी फेस्टिवल हो उसका जो
उसका जो कोर वैल्यू है वो यही है कि सिर्फ आप अपने अंदर ही खुशियां ना रखो, आप बांटो भी, आपके पास जितना है वो आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करो, चाहे वो खाना हो, खुशी हो, कुछ भी हो। तो ये राइट। तो भाइयों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शाम में हमारा प्लान है चंपा गली जाने का, तो मैं उसको एक अलग व्लॉग में डालूंगा। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, दिल से डोनेशन करके, ज़्यादा दिखावा ना करके। आप लोग भी अपने शुभ दिनों में गरीब लोगों में जाएँ, लोगों में खुशियाँ बाँटें। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शो योर लव। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।